दीपावली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश वासियों को दी ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं, सभी के मंगल जीवन की कामना। तीन दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया ग्राम वासियों के साथ मनाए दीपावली। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना, मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में मनाई दिवाली। मुसहर समुदाय के लोग भी पहुंचे मुख्यमंत्री संग दिवाली की खुशियां साझा करने। सीएम योगी ने 80 करोड़ रुपए की 288 विकास कार्यों का किया शिलान्यास व लोकार्पण। कहा, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुँचाना ही है रामराज्य। देश के स्वावलंबन का आधार होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचीय कार्यक्रम के बाद यहां विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉलों के माध्यम से लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सीएम योगी ने 4 महिलाओं की गोद भराई कराकर बच्चों का कराया अन्नप्राशन। दीपावली के पावन पर्व पर सोमवार की शाम शुभ मुहूर्त में मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री गणेश, माता श्री लक्ष्मी, भगवान श्री कुबेर और लेखनी माता श्री सरस्वती की पूजन कर की लोक मंगल और नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विद्यापीठ का किया निरीक्षण। वनटांगिया राम गणेश के घर पहुंचकर दीप जलाकर किया दीपोत्सव का शुभारंभ। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन पर महानगर में 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर सुबह 3 बजे तक वाहनों का किया गया रूट डायवर्जन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी प्रकार के एम्बुलेंस, तीर्थ यात्री वाहन या अन इमरजेंसी वाहन नहीं रहेंगे प्रतिबंधित। दीपावली के अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बाल शिशु गृह के बच्चों में मिठाई बांटकर मनाई दीपावली। जनपद वासियों को दी दीपावली की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं।